मानेंगे नहीं भाई। बहुत ही तगड़ा खाना था, दाल चावल और भाई जीवन का सार लिखा हुआ बंदे ने, पैसा बोलता है समझे, सही बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। आप आओगे ना रूट का, दिल्ली टू अहमदाबाद का सबसे सीनिक जो पार्ट है ना वो उदयपुर से अहमदाबाद के बीच का। रुक गए भाई, एक बोर्ड दिखा यहाँ, ये कड़ी कचौड़ी लेते हैं, बहुत देर चलते हुए हो गई है। क्या हो गया भाई, टाइम 9:30 नहीं 10, चलते हैं फिर थोड़ा सा, इतनी भी क्या जल्दी है। बहुत ज़माने के बाद कड़ी कचौड़ी मिली है, देखो क्या बढ़िया लग रही है। सामने ये व्यू है, फटाफट से चलेंगे भाई, मज़ा आ गया। क्या कचौड़ी थी कड़ी के साथ, प्याज वगैरह काट के मात्र 15 रुपए, बहुत ही बढ़िया। 5 की थी, छोटे भी तो तुम। और वो जो चिप्स थे ना उन अंकल के पास ना, एक पैरेट थे। पैरेट था भाई, मजा आ गया। बहुत सालों बाद कड़ी कचौड़ी मिली है, वरना कचौड़ी हर अपने वहाँ पे तो हर जगह ना आलू की सब्जी के साथ ही मिलती है। कड़ी कचौड़ी का अलग ही टेस्ट है, राजस्थान में ही मिलती है वैसे जनरली, और कहीं नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब बढ़ते हैं बिजौलिया की तरफ और फिर वहाँ से चित्तौड़गढ़। कि भाई जो अपन ने हाईवे से टर्न लिया ना बिजौलिया की तरफ, तो देख लो ऐसा कुछ रूट है, सिंगल रोड है बट सही बना हुआ है, कोई इशू नहीं है दिन में, कीकर ही कीकर है। हाँ मज़ा तो आ ही रहा है। अभी थोड़ा सा हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से एक कोई लेक है, डैम है आई थिंक, बहुत बढ़िया व्यू आता है। अभी तो खैर पानी होगा नहीं, देखते हैं। बाकी इधर देखो कैसे खुले मैदान आ गए, देखो व्यू क्या बढ़िया व्यू है, सीनिक रास्ता है। भैंस ही भैंस नहा रही है नीचे, मजे कर रही है भैंस। वो रास्ते का वो ब्रिज वाला, हाँ आई थिंक वही डैम बना हुआ है शायद, कंफर्म नहीं कह सकते बट डैम है इधर। एकदम खुले चपटे मैदान है पहाड़ों के बीच में भाई। लास्ट टाइम भी रुके थे यहाँ पे, सोचा आपको ये खुले मैदान दिखाई दूँ, बहुत सीनिक है। अभी पानी नहीं है बट सीनिक बहुत है, देखो मॉनसून में सब ग्रीन हो जाता होगा, और बाकी अपनी गाड़ी ये खड़ी लग रही है ना मस्त। चलते हैं, काफी तेज धूप है, एक फोटो ले लेते हैं गाड़ी का फिर चलेंगे। भाई दूर दूर तक देखोगे ना ये ऐसे कोटा स्टोन टाइप का ही मिलेगा आपको, मतलब बिल्कुल ऐसे है, फ्लैट है लेकिन पहाड़ के ऊपर है, बिल्कुल चपटा सा पहाड़ है, दूर दूर तक यही पत्थर है, कोटा स्टोन ही लग रहा है अपने को तो। ये मुझे नहीं लग रहा। अच्छा कुछ लगता है और क्या। यहाँ से भाई अपने को जाना है लेफ्ट, बिजौलिया पहुंच गए हैं हम, और चित्तौड़गढ़ है लेफ्ट 110 किलोमीटर। याद है मुझे रास्ता, लास्ट टाइम आए थे भाई, इतना ट्रेवल कर लिया है ना, रास्ते वगैरह याद रहते हैं अच्छे से। यहाँ रोड भी खराब था लास्ट टाइम भी। यार रोड इतने तगड़े हैं, हाईवे बड़ा तगड़ा है बट यहाँ खाने के ऑप्शंस नहीं है। लास्ट टाइम भी यही तरसते रह गए थे, चाय भी नहीं मिल रही है, वॉशरूम ब्रेक लेना है, सुबह से कुछ नहीं मिला है, बस एक ही बार चाय खाई थी।
एक कड़ी कचौड़ी खा ली, वो भी हमने सही किया, वरना तो कुछ नहीं मिला कहीं पे भी। सब एक दो ही ढाबे आए थे बस, आए ही नहीं है ढाबे। 517 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग भाई, मतलब बिल्कुल भी गाड़ियों का ट्रैफिक है ही नहीं, ट्रैवलर्स है ही नहीं रोड पे। क्यों नहीं है? इक्का दुक्का गाड़ी दिखी है, सुबह से गाड़ियां ही नहीं है। एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी दिखी है इस साइड, वरना कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा। और गर्मी बहुत ज्यादा है, 38 डिग्रीज हो गया टेम्परेचर। एक आधी गाड़ी तो दिखेगी यार, इतना क्या है भाई। मानसून में आओ आप, ये रास्ता ना आपको इतना ग्रीन लगेगा। मेरी वीडियोस देखना आप, लास्ट टाइम वाली गुजरात की, अगस्त में जब हम आए थे बिल्कुल लश ग्रीन थे सारे पहाड़। बेस्ट टाइम वही है, बेस्ट टाइम है सही में गुजरात और राजस्थान आने का ना, मानसून में आओ। ढाबा तो मिल गया, चाय पी लिया, शिव कृपा ढाबा, कृपा हो गई इनकी भाई। चाय मिल गई फाइनली, 550 किलोमीटर वाली चाय। अड़तीस डिग्री हो गया, लेकिन चाय का काम चाय करती है अपने लिए। गर्मी में भी चाय पीते हैं भाई, मज़ा आता है। अब यहाँ से सीधे उदयपुर रुकेंगे और उदयपुर में करेंगे लंच, और फिर सीधे अहमदाबाद शाम तक पहुंच जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को, बहुत टाइम पड़ा है अपने पास। और गाड़ी भाई बहुत बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है सही में, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, बिल्कुल फटीग नहीं है। ब्रेज़ा में भी कम होता था फटीग, लेकिन इसमें तो है ही नहीं फटीग। नहीं है। क्या नहीं है? वेज नहीं है। चलते हैं भाई, अब बहुत ज़्यादा देर बाद चाय मिली, बट अच्छी चाय थी। भाई चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं एग्जैक्ट 12 बजे, 593 किलोमीटर। और ये सामने जो पहाड़ के ऊपर किला देख रहे हो ना आप, अभी दिख नहीं रहा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत छोटा छोटा छोटा, इतना छोटा। कैसा लगा मेरा मजाक? चीटी जितना है दिख ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, पूरे पहाड़ पे फैला हुआ है। लेकिन गर्मी ना 39 डिग्रीज हो गई है, 39। अब दिखेगा फोर्ट, ये देखो टावर सी बनी हुई है ना ऊपर मॉनिटरिंग के लिए। अरे भाई आइसक्रीम मिल जाएगी, देख लो भाई चित्तौड़गढ़ फोर्ट। कभी जाएंगे टाइम निकाल के, स्पेशली आके मन किया तो, बहुत हिस्टोरिकल जगह है बहुत ज़्यादा, और टाइम लेके आना पड़ता है यहाँ, बहुत सारे गेट्स हैं इसमें और पूरा प्रॉपर टूर लेना पड़ता है, तब समझ में आएगी कहानी। बाकी तो यहाँ से उदयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी पे चलते जाना है। अब NH 48 पे मिल जाएंगे हम, 109 किलोमीटर और इसी हाईवे पे रहना है, फिर NH 48 वो सीधा अहमदाबाद तक जाएगा। अरे आइसक्रीम नहीं मिल रही, मोबाइल मेरे पकड़ते ही आइसक्रीम। 39 डिग्रीज, पोरबंदर 892 किलोमीटर दिखा रहा है, पोरबंदर जाना है अपने को भाई कल नहीं परसों। द्वारकाधीश से सोमनाथ जाएंगे ना, तो पोरबंदर से होके जाता है रास्ता, तो 950 किलोमीटर है यहाँ से जाएंगे। हाँ तुम्हारे जैसे longer than a few minutes later. देखते हैं भाई होटल श्री पैलेस क्या मिलता है खाने को अपने को, दाल चावल टाइप मिल जाए तो सही रहेगा। 650 किलोमीटर गाड़ी खींचती है, चलो सही लग रहा है।
चाय के बिना तो भाई कुछ हो ही नहीं पाएगा। भाई बहुत ही तगड़ा खाना था, दाल चावल और तवा चपाती, बहुत बढ़िया। 450 रुपए में अपना लंच हो गया, मस्त एकदम, और बढ़िया चाय थी। और जहाँ हमने लंच किया ना, ये जगह थी मंगलवाड़, उदयपुर से कुछ मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर पहले है। हाँ जी बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? मैं सो रहा हूं। हाँ हाँ सो जाओ। तो सोने दो भाई से, हम सुबह से तो सोए नहीं है ये 5 मिनट भी, अब ये सो रहे हैं। उदयपुर के आसपास बहुत बहुत बढ़िया पहाड़ हैं। मानसून इज़ द बेस्ट सीज़न, अगस्त में आओ आप उदयपुर, आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हिल्स हैं चारों तरफ और सब लश ग्रीन हो जाते हैं मानसून में, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। विंटर्स में भी उतना मज़ा नहीं आता जितना अगस्त में आपको व्यूज़ और नज़ारे मिलेंगे उदयपुर के आसपास। आ गया भाई डाइवर्जन, सीधा जाओगे तो आप उदयपुर और लेफ्ट लोगे यहाँ से तो अहमदाबाद। तो ये एक बाईपास बना हुआ है, नया बना है हिम्मत नगर और फिर अहमदाबाद। भाई आप आसपास देखोगे ना, आपको हिल्स ही हिल्स दिखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब 360 डिग्री में देखोगे ना, आपको हर तरफ पहाड़ दिखेंगे छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया। अरे अरे डॉग भाई यहाँ मत आ, अरे भाई साहब हो जाता खेल अभी। जीवन का सार लिखा हुआ बंदे ने, पैसा बोलता है, समझे, कलयुग में पैसा बोलता है। हम दिसंबर में बड़ोदरा गए थे, तब भी इसी से गए थे, तब टोल नहीं लगा था, अब देखते हैं इस पे टोल लगेगा कि नहीं। टोल लेने लग गए, खुल जा सिम। भाई अभी कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, कोशिश की है बढ़िया ड्रोन शॉट्स लेने की, तो देखना कमेंट्स में बताना कैसे लगे। फिलहाल तो उदयपुर बाईपास बस कंप्लीट करने वाले हैं, 6.2 किलोमीटर बचा है और फिर हिम्मत नगर की तरफ बढ़ेंगे। इस गाड़ी में ना ये जो फ्रंट विंडशील्ड है बहुत ज़्यादा गंदी होती है, मतलब पता नहीं इसका डिज़ाइन ऐसा है क्या है, बट बहुत कीड़े मरते हैं यार, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 बार मैं साफ़ कर चुका हूँ फिर गंदी हो जाती है, 1 घंटा भी नहीं लगता, मतलब 50 किलोमीटर भी नहीं चलोगे पूरी फिर से गंदी हो जाएगी, तो इसको बार बार साफ़ करना पड़ेगा और है इतनी बड़ी कि भाई टायर पे चढ़ के करनी पड़ेगी आपको।
मेरी तो हाइट फिर भी ठीक ठाक है तो चल जाता है काम, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो मशक्कत करनी पड़ेगी इसकी विंडशील्ड को साफ करने के लिए। ओ भाई आप रास्ता देखो सामने, मतलब सही बता रहा हूँ दिल खुश हो जाएगा आप आओगे ना यहाँ, और अगस्त में आना मेरी मानो तो भाई साहब मुझे थैंक यू बोलते रहोगे भाई। इतनी ज़बरदस्त जगह है ना ये, इतनी ज़बरदस्त पहाड़ हैं यहाँ पे, मज़ेदार व्यूज़ हैं, और रात को भाई फ्यूल भी नहीं मिलता है यहाँ पे। लास्ट ईयर हम दिसंबर में वडोदरा जा रहे थे तब अपने को यहाँ पे मिला था 100 किलोमीटर सर्च करने के बाद पेट्रोल पंप ओपन रात को 3 बजे के आसपास। अदरवाइज़ यहाँ पे रात को 11 बजे तक आप अपनी गाड़ी में तेल डलवा लो, वरना भाई दिक्कत में आ जाओगे, मिलेगा नहीं आपको फ्यूल रात को। और भाई पूरे रूट का दिल्ली टू अहमदाबाद का सबसे सीनिक जो पार्ट है ना वो उदयपुर से अहमदाबाद के बीच का है, ये 250 किलोमीटर। प्रॉपर 6 लेन हाईवे बना हुआ है, एक सिंगल गड्ढा पूरे 250 किलोमीटर में नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक है। पूरे अरावली रेंजेस हैं दोनों साइड रोड के, तो ये सबसे सीनिक पार्ट है इस हाईवे का, और बंदा मतलब जनरली ओवर स्पीड कर जाता है बट बहुत सारे कर्व्स हैं, ट्विस्ट टर्न्स हैं, तो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना, भावनाओं में ज़्यादा मत बह जाना, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है उदयपुर के बाद। आप देखो भाई अपने 800 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 10 घंटे और अप्रॉक्स 10 मिनट में हमने 800 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, और आप एवरेज स्पीड देखो भाई 79 km/h, मतलब भाई ज़बरदस्त स्पीड से आ रहे हैं, बहुत ही तगड़ी स्पीड से, और फटीग का कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में भाई। हाईवे क्रूज़र है सही में स्कॉर्पियन, जैसी पहली स्कॉर्पियो बदनाम थी ना कंफर्ट को लेके, कंफर्ट वगैरह नहीं था उसमें, टौरा था, टशन रुतबा जो अभी भी है स्कॉर्पियो क्लासिक में, बट इस गाड़ी में भाई ज़बरदस्त कंफर्ट है। मैं ये अहमदाबाद वडोदरा पहले भी कर चुका हूँ ब्रेज़ा में नॉनस्टॉप, उसमें फिर भी थोड़ी सी थकान होती थी, ज़्यादा ब्रेज़ा में भी नहीं होती थी अपने को, क्योंकि भाई अपने को शौक इतना है ड्राइविंग का, बट फिर भी हो जाती थी थोड़ी बहुत। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा, इतना कम्फर्टेबल मतलब एम्बियंस बना हुआ है ना गाड़ी के अंदर, 24 पे एसी सेट है, और ज़बरदस्त स्पीड में 90-100 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, झटके वगैरह लगते नहीं हैं, ख़राब रोड्स हैं नहीं, तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल ड्राइव। तो इनोवा अगर आप कंसिडर कर रहे हो ना तो स्कॉर्पियो एन भी कंसिडर करना एक बारी, बहुत बहुत बढ़िया लगेगी आपको इसकी ड्राइव और कम्फर्ट। फाइनली राजस्थान को बाय कर दिया है हमने 828 किलोमीटर में, और अब एंटर करेंगे गुजरात, और आज देखते हैं चेकिंग होती है अपनी कि नहीं। ब्रेज़ा में तो अपनी कभी चेकिंग हुई नहीं इधर बॉर्डर पे, स्कॉर्पियो एन में देखते हैं। नहीं रुकवाया, देख तो रहा था पुलिस वाला गाड़ी में, बट नहीं रुकवाया भाई, अपने को नहीं रुकवाया एक बार भी, आई थिंक हाँ 4-5 बार आ चुके हैं, एक बार भी नहीं रुकवाया गया अपने को तो भाई। देखो आप ग्लास पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, बट ये विंडशील्ड बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, फिर साफ़ करनी पड़ेगी। और आप टेम्परेचर देखो भाई साहब, 42 डिग्रीज हो चुका है ऑलरेडी, हीट वेव का अलर्ट लग रहा है मुझे तो। गुजरात में बहुत गर्मी रहती है भाई गुजरात में, लेकिन अपने को पसंद भी है भाई गुजरात, मीठा खाते हैं लोग, मीठा मीठा बोलते हैं यहाँ पे। बाकी फ़िलहाल 122 किलोमीटर रह गया बस,
रोड तो चौचक है, यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट हो गई है। सही में लू चल रही है यहाँ तो, गुजरात में लू हीट वेव लग रही है मुझे तो। गुजरात में एंटर कर चुके हैं हम डिगलू, 2 घंटे सही नींद हो गई, मजा आ गया नहीं। बाकी भाई दोनों स्कॉर्पियो देख लो, वो स्कॉर्पियो क्लासिक है और ये अपनी स्कॉर्पियो है, उसका रुतबा अलग है, बट कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और मज़ा चलाने का इस गाड़ी में है। टोरा उसमें है बट इसका भी कम नहीं है। चले, लू चल रही है सही में। टाइम हो गया 4:18, कमाल लेवल की गर्मी है, कमाल लेवल की। बट हमने भी पहले छाछ पी है और उसके ऊपर बढ़िया सी चाय। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि चाय के बिना अपना काम होता नहीं है। छाछ पीने का मन था, गुजरात में छाछ बहुत अच्छी मिलती है और सस्ती बिल्कुल। तो अब चलते हैं भाई, लास्ट स्ट्रेच कंप्लीट करते हैं। रेंज 267 किलोमीटर दिखा रही है गाड़ी और जाना हमने 125 किलोमीटर ही है। चलो जबरदस्त रोड है ना, मतलब 100 की स्पीड पे पता नहीं लग रहा है, 110 के आसपास चल रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है, इतना जबरदस्त। 6 लेन NH48 बना हुआ भाई, जबरदस्त। हिम्मत नगर पहुंच गए हैं भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। और पिछले एक साल की बात करूँ ना मैं, एक साल लास्ट मई से, और यहाँ पे हम अब ना मार्च में 4th टाइम आ रहे हैं, 4th बार आ रहे हैं हम लोग लास्ट 1 ईयर में। इतनी दूर अपना आना जाना लगा ही रहता है गुजरात की तरफ। भाई एग्जैक्ट 5:30 बजे 949 किलोमीटर और हमने अहमदाबाद एंटर कर लिया है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है और अपना होटल यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो भाई सुबह चले थे हम लोग 4:15 बजे के करीब और 5:30 बजे शाम को, यानी कि 13 घंटे के करीब अपने को लगे हैं नॉन स्टॉप दिल्ली टू अहमदाबाद। आधा घंटा और लगा लो तो होटल तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ स्पीड से आए हैं, मज़ा आ गया ड्राइव करके। और स्कॉर्पियो एन भाई कमाल की कंफर्टेबल गाड़ी है, मैं ब्रेजा से कंपेयर करके बता रहा हूँ। ब्रेजा में सस्पेंशन हार्ड था लेकिन वो चिपक के ज़्यादा चलती थी, बम्प्स पे कम उछलती थी ब्रेजा, ये उछलती ज़्यादा है क्योंकि भाई लैडर ऑन फ्रेम है। बट भाई कम्फर्ट इस गाड़ी में ज़बरदस्त है, इसकी सीटिंग कम्फर्ट सस्पेंशन टॉप क्लास। अब फिलहाल बस माइलेज तो खैर ये भाई ये ब्रेजा से 3 गुना प्राइस में भी तो आ रही है, जो मेरी ब्रेजा थी डीजल उसके मुकाबले में वो 18-19 की एवरेज देती थी, ये 12 की दे रही है। भाई
वही है कंफर्ट और पावर लोगे तो भाई पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही, बट फुल्ली सेटिस्फाइड भाई परफॉर्मेंस से। अब ये एयरपोर्ट आ गया सामने, यहाँ से राइड जाना है अपने को, तो फटाफट ये ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं और शाम को ना अटल ब्रिज चलेंगे। अहमदाबाद आए तो अटल ब्रिज जाना तो भाई मस्त है। भाई टोटल डिस्टेंस 967 किलोमीटर और एवरेज स्पीड देखो 76 km/h की, 12.5 घंटे ड्राइव की है और 12 की एवरेज दिखा रही है, 12 की ही दी है इसने जब हमने बीच में फुल कराया था पेट्रोल डीजल। तो अब बस सामान लेके चलते हैं, इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बहुत लंबी बन गई होगी। बाकी शाम को जाएंगे अब अटल ब्रिज, तो उसकी अलग वीडियो बनाएंगे मन किया तो, और रूम टूर अपनी अलग वीडियो में देंगे। इस वीडियो को एंड कर देते हैं भाई, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रूट से रिलेटेड और दिल्ली टू अहमदाबाद या गाड़ी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग, साइनिंग ऑफ, जय माता दी।